सुप्रभात। आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं जयंती है और हमारे देश के अत्यंत लोकप्रिय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। कृतज्ञ राष्ट्र के साथ केंद्रीय विद्यालय राजनांदगांव परिवार से हम लोग भी आज उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए विद्यालय परिसर में एकत्र हुए। महात्मा गांधी वो नाम है जो अपने आप में सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह का पर्याय। महात्मा गांधी ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जिसमें गरीब से गरीब आदमी, आखिरी से आखिरी आदमी भी ये महसूस करेगा कि इस देश के निर्माण में, इस देश की प्रगति में उसका अपना योगदान। एक ऐसे ब्रिटिश शासन का उन्होंने सूर्य अस्त किया जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका सूर्यास्त कभी नहीं। महात्मा गांधी के चाहे 1920 का असहयोग आंदोलन हो, 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन हो या 1942 का भारत छोड़ आंदोलन, एक ऐसे महायोगी, एक ऐसे कर्मठ सन्यासी, एक ऐसे सर्वधर्म संभाव के प्रतीक महात्मा गांधी, बल्कि प्रतीक की मैं कहूँगा कि उनसे पर्याय महात्मा गांधी, जिन्होंने हमारे देश के भावी जीवन की और भावी राष्ट्र निर्माण की उन्होंने नींव रख दी। देश स्वतंत्र हुआ महात्मा गांधी के विचारों पर चलकर। विश्व इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि जब किसी देश ने अहिंसक तरीके से लाखों करोड़ों लोगों के जन आंदोलन के माध्यम से और बिना रक्त की एक बूंद बहाए स्वतंत्रता प्राप्त की हो। ये केवल महात्मा गांधी के ही नेतृत्व में संभव था, अन्यथा जितनी भी क्रांतियाँ हुई हैं विश्व इतिहास में, सारी क्रांतियाँ हिंसक रही हैं, रक्तरंजित रही हैं। ये देश अपने बापू का चिर ऋणी रहेगा। भारतीय संविधान पर महात्मा गांधी के विचारों की, महात्मा गांधी के उस आखिरी आदमी की और महात्मा गांधी के उस बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय वाले सिद्धांत की झलक मिलती है। हमारे संविधान में दिए गए नीति निर्देशक तत्व और लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है, ये सभी महात्मा गांधी के सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ने का मूल मंत्र है। चाहे स्वदेशी हो, खादी हो, चरखा हो, ये सब क्या है, हम सभी को आत्मनिर्भर बनाने के ये तरीके हैं। हम पश्चिम सभ्यता की ओर देखें जरूर, उससे अच्छी चीज़ें लें, लेकिन अपना जो मूल है, अपने जो संस्कार हैं, अपनी सभ्यता है, अपनी संस्कृति है, उसको हम ना खाएं। मैं आज शास्त्री जी, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के की जयंती पर भी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ये वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था और जिनके नेतृत्व में भारतीय सेना ने 1965 में पाकिस्तान के लाहौर के नज़दीक पहुंचकर वहां पर तिरंगा झंडा फहराया था। एक बार शास्त्री जी ने एक रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था जब वो रेल मंत्री थे। ऐसे कर्मठ, मनीषी, महायोगी शास्त्री जी को भी मैं केंद्रीय विद्यालय राजनांदगांव परिवार की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और हम लोग आज प्लॉगिंग रन के तहत विद्यालय परिसर में स्वच्छता अभियान भी करेंगे और यहाँ पर पूरे राष्ट्र के साथ हम पुनः महात्मा गांधी और शास्त्री जी के प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धा अर्पित करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।